हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, ओपन योर पंजाबी ग्रामर बुक्स, लेसन नंबर 8 नाउन। डियर स्टूडेंट्स, तुसी फर्स्ट क्लास तो ही नाउन पढ़ते आ रहे हो। अज असी नाम बारे पढ़ांगे ते नाम वही नाउन ही हुंदा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि का नाम जो हुंदा है उसनु असी नाम कहिंदे हां। जिवें मोहन, हाथी, जलंधर, ये सारे की हन नाम हन। इत्थे जिवें सानू सारियां पिक्चर्स दित्तियां गईयां हन, ये सारियां की हन नाम। महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, जवाहर लाल नहरू, शेर, हाथी, कबूतर, बस अड्डा, ये सारे की हन नाउन हन। अज असीं नाम की परिभाषा बारे पढ़ांगे। जिवें जिहड़े शब्द किसी व्यक्ति वस्तु जीव स्थान जां भाव बारे दसण, उहनां नूं नाम कहा जांदा है। जिवें राम, हाथी, मंदिर आदि। ये नाम की परिभाषा तुसी अपनी पंजाबी दी कॉपीज़ लिखनी है ते नाल ही एग्जाम्पल भी देनी है। नाम पांच प्रकार के होंदे हन, आम नाम, खास नाम, वस्तुवाचक नाम, इकट्ठवाचक नाम ते भाववाचक नाम। सब तो पहला असी पढ़ांगे आम नाम। जो नाम साढ़े आले दुआले मिलन वालियां चीज़ां लई वरते जांदे हन, जिवें कुड़ी, कुर्सी, चाबी, टैलीविजन आदि, जिहड़ियां आम ही चीज़ां हुंदियां हन, जिवें पक्खा, मेज, ये सारे की हन आम नाम। अगे हन खास नाम, अजिहे नाम जो किसी खास जीव, व्यक्ति, वस्तु जां स्थान लई वरते जांदे हन, जिवें कुतुब मीनार, भगत सिंह, ताजमहल, सचिन तेंदुलकर, दिल्ली, आगरा, ये सारे की हन खास नाम, किसी खास वस्तुआं, किसी खास स्थान आदि वास्ते वरते जांदे हन। अगला है इकट्ठवाचक नाम। इकट्ठवाचक नाम उन्हां नूं कहिंदे हन जो किसी जीवां जां व्यक्तियां दे इकट्ठ लई वरते जांदे हन। जिवें खिडारियां दे इकट्ठ नूं की कहिंदे हन, जदों खिडारी खेडदे हन ते उन्हां दे इकट्ठ नूं कहिंदे हन टीम। विद्यार्थी अपनी क्लास विच पढ़दे हन, जदों सारे विद्यार्थी इक क्लास विच बैठे हुण तां उह की बन जांदी है, इक जमात। मझां ते गावां दे इकट्ठ नूं की कहिंदे हन इज्जड़। काफ़ी सारे फौजियां दे इकट्ठ नूं की कहिंदे हन फौज। यह हुंदा है इकट्ठवाचक नाम। एक तो अगला है वस्तुवाचक नाम। अजिहे नाम जो तौलियां जां मिणियां जाण वालियां चीज़ां लई वरते जांदे हन, जिवें दुध, सोना, घिओ, बदाम आदि। ये सारियां वस्तां जो तौलियां ते मिणियां जांदियां हन, इन्हां नूं कहिंदे हन वस्तुवाचक नाम। अगे है भाववाचक नाम। अजिहे भाव जिन्हां नूं असीं सिर्फ महसूस कर सकते हाँ, छूह नहीं सकते, वेख नहीं सकते, वह हुंदे हन भाववाचक नाम। जिवें खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, गर्मी, सर्दी, ये सारे की हन भाववाचक नाम। ओके, अज असी ये नाम बारे पढ़िया है। ये सारे तुसी लर्न भी करने हैं ते अपनी सिर्फ परिभाषा ही अपनी कॉपीज़ ते लिखनी है ते किस्मा नाल परिभाषा ते एक किस्मा दे नाम सिर्फ तो याद करने, अगे आ वाली डिटेल तुहानू याद करन दी लोड़ नहीं, सिर्फ समझन दी लोड़ है। ओके, हुण असीं इह एक्सरसाइज सोल्व करांगे। रमन ना है, रमन किस दा नाम है? एक व्यक्ति दा। चिंता ना है, चिंता अजिहा शब्द है जिसनू असीं सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फिर की हो गया भाववाचक नाम। तेल ना है, तेल तोलिया जा सकता है इस करके ये की है वस्तुवाचक नाम। बस अड्डा ना है किसे स्थान दा। इन्हां विच्चों आम नाम चुनो, चाबी, जमात, ताजमहल, खुशी। चाबी एक आम नाम है। महेंद्र सिंह धोनी नाम की केड़ी किस्म है? खास नाम, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेट दे खिडारी हन। व्यक्तियां जां जीवां दे समूह नूं केड़ा नाम कहा जांदा है? व्यक्तियां जां जीवां दे समूह नूं केड़ा नाम कहा जांदा है? इकट्ठवाचक नाम। भाव प्रगट करन वाले शब्द केड़े नाम हुंदे हन जिन्हां तों किसे भाव दा पता लगे, महसूस होवे, भाववाचक नाम। इस तरह ही ये बैग है, ये आम नाम की किस्म है। सचिन तेंदुलकर खास नाम है। काजू वस्तुवाचक नाम हन। पेड़ आम नाम है। नाम डैश किस्म दियां हुंदियां हन, नाम दियां डैश किस्मां हुंदियां हन पंज। मोहन डैश नाम की किस्म है, आम नाम। घबराहट डैश नाम की किस्म है, भाववाचक। डार डैश नाम की किस्म है, इकट्ठवाचक। चांदी डैश नाम की किस्म है, वस्तुवाचक नाम। ओके स्टूडेंट, इहदे नाल तुहाडा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगे असी करांगे
कहानी की सिक्ख्या। इस टर्म दे विच तुहाडी कहानी की सिक्ख्या है मूरख बारा सिंगा। ये कहानी तुहाडे पेज नंबर 101 ते दिती गई है ग्रामर बुक ते। इस नूं तुसी पढ़ना है जिवें मूरख बारा सिंगा कहानी है। कई साल पुरानी गल है, सियाने दसदे हन एक बारा सिंगा दरिया दे कंढे पानी पीण लगा। उसने साफ पानी विच अपना परछावां देखिया। वह मन ही मन अपनियां कमजोर लत्तां ते झूरन लगा कि मेरियां लत्तां किन्नियां बदसूरत हन ते सुंदर सिंगां ते खुश होण लगा कि मेरे सिंग किन्ने सोहणे हन। करनी रब दी उस समय एक शिकारी कुत्ते भौंकदे होए उसके पासे आ गए। बारा सिंगा जान बचाउण लई उत्थों भज्जिया। उस दियां कमजोर लत्तां ने उसकी जान बचाउण विच सहायता कीती ते शिकारी कुत्ते बहुत पिछे रह गए। कुछ देर मगरों बारा सिंगा झाड़ियां कोल टहल रहा सी, शिकारी कुत्ती फिर उसके लागे आ गई। बारा सिंगा भज्जन लगा तो उसके सुंदर सिंग झाड़ियों में फस गए। शिकारी कुत्तिया ने उसनू उत्थे ही मार दिता। बच्चो, बारा सिंगा अपनियां जिहड़ियां कमजोर लत्तां नू झूरदा सी उन्हां ने उसनू बचा लिया सी, पर जिहड़े सुंदर सिंगा ने उसनू माण दिता सी उन्हां ने उसनू मरवा दिता। सानू इस कहानी तो यह सिक्ख्या मिलती है कि हर चमकदी चीज़ सोना नहीं हुंदी, जां हंकारिया सो मारिया। सानू किसी भी चीज़ का हंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि परमात्मा ने सारा कुछ ही वधिया बनाया है। सो डियर स्टूडेंट्स, तुसी ए वाली जिहड़ी सिक्ख्या आ कहानी की हैडिंग पाउणा आ मूरख बारा सिंगा, तो फिर नीचे लिखनी सिक्ख्या हर चीज़ चमकदी चीज़ सोना नहीं हुंदी, जां हंकारिया सो मारिया। ओके, थैंक्स।